राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लखीमपुर हिंसा मामले पर पीड़ित परिवारों से कल मिलने पहुंचे थे। उससे पहले लखीमपुर तक जाने के लिए कांग्रेस के नेताओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। दो दिन तक गिरफ्तारी में रहने के बाद प्रियंका गांधी की मुलाकात अपने भाई और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जब हुई तो दोनों ही भावुक हो गए। राहुल गांधी अपनी बहन की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। राहुल गांधी ने बिना देरी किए हुए बहन प्रियंका को गले लगाया और प्रियंका गांधी की पीठ थपथपाते हुए वहां मौजूद सभी नेताओं से कहा, देखिए मेरी बहन कितनी बहादुर है। इस पर वहां मौजूद सभी नेताओं ने सिर हिलाकर हां में जवाब देते हुए कहा कि जिस मजबूती के साथ प्रियंका गांधी ने लखीमपुर की घटना के बाद आवाज बुलंद की वो वाकई सराहनीय है। सीतापुर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने लखीमपुर का सफर साथ तय किया था। लखीमपुर के पीड़ित परिवारों से भी दोनों नेताओं ने घंटों बात कर उनका दर्द बांटा। लखीमपुर पीड़ितों के लिए कांग्रेस ने हर संभव सहायता का ऐलान किया है। तो वहीं ये पहला वाकया नहीं था जब राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी की बहादुरी की तारीफ की हो। इससे पहले राहुल गांधी ने बहन प्रियंका गांधी की हिरासत पर बोलते हुए कहा था, प्रियंका मैं जानता हूं, तुम पीछे नहीं हटोगी, तुम्हारी हिम्मत से वो डर गए हैं। न्याय की इस अहिंसक लड़ाई में हम देश के अन्नदाता को जिता कर रहेंगे। दरअसल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को लखीमपुर जाते वक्त हिरासत में ले लिया गया था, जिसके बाद बुधवार को उन्हें राहुल गांधी के साथ लखीमपुर जाने की इजाजत मिली और उन पर लगे सभी चार्जेस भी हटा दिए गए।